अगली खबर में बात करते हैं भिंड की जहां जिला प्रशासन और नगर पालिका अफसरों का बुलडोजर चला ये बुलडोजर इंदिरा गांधी चौराहे के पास चला यहां नगर पालिका ने बीजेपी नेता अजीत भदौरिया की दुकान को निशाना बनाया गया अवैध अतिक्रमण हटाते हुए दुकान को सील कर कब्जे में लिया गया इसके बाद फुटपाथी की अवैध दुकानें व स्थायी कब्जे पर भी बुलडोजर गर्जा करीब तीस मिनट में अवैध कब्जा साफ करा दिया गया इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा रविवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे भिंड जिला प्रशासन व नगर पालिका के अफसर इंदिरा गांधी चौराहे पर पहुंचे यहां पार्क की जमीन पर दुकान जो की बीजेपी नेता अजीत भदौरिया की थी इस पर कार्यवाही की गई ये दुकान तो त्रिपति स्वीट्स द्वारा किराए पर लिया गया प्रशासनिक अफसरों ने दुकान खाली करने और तोड़ने जाने की बात कही दुकानदार ने तत्काल दुकान को खाली किया इसके बाद टीन सेट आदि को तोड़ते हुए दुकान को कब्जे में लेते हुए ताला बंद कर सील लगाने की कार्यवाही की गई नगर पालिका की परिषद का नया गठन होने के बाद बैठक में ठहराव प्रस्ताव रखा गया था जिसमें शहर के अटेर रोड पर पानी की लाइन बिछाए जाने और अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर सहमति बनी थी इस दौरान अटेर रोड की एक दर्जन का अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई भिंड नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र तिवारी का कहना है कि अवैध कब्जा हटाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है ससर में ऐसी कार्यवाही समय समय पर की जाती है